जाने वो क्या है जो हर साल खींच लाता है मुझे यहाँ। घर का लगाव होता ही कुछ ऐसा है शायद। आप चाहे इससे कितना भी भाग लें, पर दिल हमेशा घर की तरफ ही दौड़ता है और मेरा दिल बंगाल में बसता है। बंगाल मेरा घर। हर साल आती हूँ यहाँ अपने बच्चों के संग। वो मुझसे पूछते हैं कि इस शहर में ऐसा क्या खास है, और मुझे 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं उन्हें ये समझाने में कि क्यों बंगाल मेरे दिल के इतने पास है। ओ माँ, देखो तो कैसे अपने छोटे छोटे हाथों से भोग तैयार कर रही है। मानो हर लूची में जैसे अपनी धरोहर पिरो रही है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग धरती से बहुत दूर कहीं आसमानों में होता है, लेकिन फिर क्यों यहाँ का हर पंडाल मुझे स्वर्ग सा लगता है। वो हवा में घुली महालया की गूंज, शूली फूल की वो मीठी सी खुशबू, ट्राम की धीमी गति पे थिरकते वो लोग, दूर किसी घर से आती सरसों के तेल में तलती हुई इलिश की वो तीखी महक। मैं इन सब में खुद को पाती हूँ। मैं हर साल अपने घर बंगाल इसीलिए आती हूँ। वो गर्म तेल में तैरती हुई कोबिरा जी हो, या फिर पंडालों में बनने वाली सादी खिचड़ी, श्याम बाजार में बिकने वाली स्वादिष्ट मिठाइयाँ हो, या घरों में बनने वाला चटपटा आलू पोस्तो, मैं इन सब में ही खुद को पाती हूँ। मैं हर साल अपने घर बंगाल इसीलिए ही तो आती हूँ। अब वक्त हो चला है वापस जाने का। मेरा पेट तो इन लोगों के प्यार से पहले ही भरा हुआ है, लेकिन मन शायद कभी नहीं भरेगा। इसीलिए अगले साल दोबारा आऊंगी इसी जगह, इन्हीं लोगों के बीच। बंगाल मेरा घर।